तो फाइनली हम लोग आ गए हैं गाड़ी में और देख सकते हैं कि पीछे सारा ब्लैंकेट जो है रखा हुआ है। तो वहां पर हमें उम्मीद है कि ज्यादा लोग मिल जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बांटने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोगों में तो हम लोगों ने कंबल बांट दिया है, यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है जी दान पुण्य करके, और हम जो है यह शुरू से करना चाहते थे। क्या कहे, कुछ कुछ बुरी थी, ईमानदारी भी दिखा हमें, वो कहे कि नहीं हमारे पास पहले से, आप किसी और को दे दो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर, आप देख रहे होंगे पीछे का जो नजारा है हमारी घर का ही है। और आज है जी नया साल, तो इस नए साल का जो यह पहला ब्लॉग है, तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आए हुए थे जी बाहर रिफाइंड ऑयल लेने के लिए, घर में जो है कुछ स्पेशल बन रहा है, नया साल है, तो अब सीधा चलते हैं घर। तो रिफाइंड लेकर के जी हम आ गए हैं यहाँ पर, और आटा सन के तैयार है, बस जो है पूरी बनना है, और यहाँ पर हमारे लिए लग रहा है खीर। तो बहुत दिनों बाद जो है माँ को देख रहे होंगे आप ब्लॉग में, लगभग 25 दिनों बाद। अभी काम करने का पूरा धुन है ना, तो बहुत टाइम हो गया, पूजा भी करना है, काम भी करना है, बाल बच्चे पति को खिलाना। तो इधर क्रियांश का भी जी हो गया है नहाना, और उसके बाद उसको भी तैयार कर दिया गया है, इसको दूध पिला दिया गया है, और यहाँ सो गया है। तो अब जो है इसको जल्दी से सुला दिया जाए, और हम लोग जो है बाकी पेंडिंग काम अपना पूरा कर लिया जाए, ठीक है। सामान सब भी बिखेरा हुआ है, सबको अरेंज भी करना है, बस यही कर रहे हैं। हाँ, और यह हमारा देख सकते हैं एक कैलेंडर हमने लिया हुआ है, कस्टमाइज्ड कैलेंडर। तो अभी मम्मी को लेकर के जा रही थी पूजा करने, और यहाँ जो हम लोग बीच में ही रुक गए क्योंकि हमारी दोनों मामी मिल गई और दोनों से आशीर्वाद लिया और साथ में नए साल की शुभकामनाएं दी। तो माँ कुछ बोलना चाह रही थी क्या? ये तो बड़ी सौभाग्य है, हाँ। जन्म मेरा कहीं हुआ और परिवार मेरा कहीं हुआ, हाँ। एक इत्तेफाक है जो यहाँ हम आए और मुझे ऐसा परिवार मिला और ऐसा समाज मिला, हाँ। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा मायका नहीं है। अभावी लोग इस बात को कहाँ तक निर्वाह करके ले जाती है, ऊपर वाले के हाथ में है, नीचे में। हम लोग भी बहुत सौभाग्य वाले हैं, हाँ। कि जो हम लोगों के बीच में हमारी ननद रानी हैं, जिससे हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, और भगिना लोग भी हमारे हैं बहुत अच्छे हैं, और हम लोग को फील नहीं होता है। और ये खुशी की बात है, मामी जी का जो लड़का है, जो हमारे भैया भी है आलोक भैया, वह पार्षद के रूप पर चुने गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। फुआ को बधाई, इनके भतीजा ने ही किया है। अच्छा, हाँ, हम माओं का तो है ही, लेकिन है, ठीक है। तो चलते हैं पूजा करने, ठीक है, चलिए पूजा करने जा रहे, पूजा करने जा रहे। लेट हो गया, पोता किसी ने बताया तो आया है, हाँ आया। उसके गोद में एगो रखिए, तो एगो काम कीजिए, एगो रखिए तो आज जैसे जाता है तो मुंह लोग का नोच लेता है कि तुम हमको कहे, जैसे जैसे होश होगा वैसे तोड़ लेता है। बाली को दो खंडी तोड़ दिया था, हम हमरो एगो टूट के रख दिया, अब नाक वाला नोच रहा है। बहुत दुनिया देखा, इनके दया दृष्टि रहेगी और कुछ देखेगा, हमको जीवन में पैर रखा है। मुझे लगता है कि मैं अपने हस्बैंड की सेवा के चलते कहीं जा नहीं पाती हूँ, चाहने के बाद भी, लेकिन हमको लगता है छोटा सा भगवान शिव का मंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और मेरा आस्था का यह प्रतीक है। हर दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज सबके लिए दया इन्हीं के दरबार में हमेशा मांगती हूँ, मुझे लगता है स्वीकार होता है। अब देखो आगे क्या करते हैं, चलो देखते हैं। 20 मिनट्स लेटर। तो माँ आ गए जी मंदिर से, और माँ का खाना आप जल्दी से लगाते हैं। तो जिया वहाँ पर गर्म गर्म पूरी निकाल रही है, तो जिया निकल गया पूरी, चलो ठीक है। उसके बाद जो है सब्जी खीर लगाया था, एक थाली लगाया जाए जल्दी से। रवि क्रियांश और दादी का जो ड्रेस देख सकते हैं, मैचिंग मैचिंग है, दोनों पिंक पिंक पहनी हुई है, मैचिंग रहता है, हाँ। उसके बाद जो मम्मी का भी मैचिंग ही है सौभाग्य से, देख सकते हैं। बिस्किट खा रहा है, और बिस्किट खा रहा है क्रियांश अपने दादी से, थोड़ा थोड़ा लेकर के, ओए बड़ा वाला है, खा लो खा लो खा लो क्रियांश, जल्दी 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 बिस्किट का डब्बा, जल्दी 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 जल्दी। बस ये चाहता है कि अपने हाथ से खाए, लेकिन इसको हाथ से नहीं दिया जा रहा है, खुद से खाने, पूरा घना करके घिना देगा ना, पूरा घिना लेता है, इसलिए इसको खुद से खिलाया जा रहा है। The next day. तो अभी आगे हैं जी एक लोहा के दुकान पर, और हमें जो है यहाँ से एक बीम उठाना है, और बीम उठाना इसलिए है क्योंकि अब जी घर में लगवा रहे हैं पार्किंग, हाँ जी, एक दीवार को जो है तोड़ना है और एक सपोर्ट देना है बीम का, तो उसी के लिए आए हुए हैं। तो हम आए हुए हैं, जो भाई साहब काम करेंगे वो मिस्टर जी हम लोग इनको बोलते हैं, ये भी आए हुए हैं, तो यहाँ से मिलकर के जो है बीम उठाएंगे और लेके चलेंगे घर। तो यहाँ पर जी हमारा बीम आ चुका है, और इसको जो है जो ठेला है उसके ऊपर लोड किया जाएगा, और इसको थोड़ा कटवाना भी है, पूरा बीम का हम लोग को जरूरत है नहीं। तो यहाँ जो पूरा बीम देख रहे हैं जी, यह है 20 फीट का, लेकिन हमें 13 फीट की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 फीट से कम का हम बेचते हैं नहीं,
तो अंत में ले लिए हैं, कोई बात नहीं, इसको जाकर के आगे जो है कटवा लेंगे कहीं पर, और बाकी जो है बीम जो भरा हुआ रहेगा घर में किसी को जरूरत होगा तो लेकर के जाएंगे। यहाँ पर दुकान आ गए हैं जी, और यहाँ पर जो नाप ही लिया जा रहा है, और 13 फीट के बाद जो बाकी का पार्ट है उसको काट दिया जाएगा। तो फाइनली जी यहाँ लोहा कट गया है, यहाँ क्रियांश की देख सकते हैं नई गाड़ी है, और क्रियांश जो अपनी नई गाड़ी में बैठ गया है, मजा आ रहा है क्रियांश मजा आ रहा है। ये तो हो गया जो नाटक नहीं होता था कि कोई घोड़ा बन रहा है कोई हाथी बन रहा है, आधा पहन लिया पैर नीचे, वही हो गया गाड़ी का, ये इसका टांगे नहीं है, इसका पैर नीचे है गाड़ी ऊपर गाड़ी ये सोच रहा है हम चलाए लेकिन चल नहीं रहा, जब ये पैदल आराम से कमर के बीच में टांग के दौड़ेगा इसको अरे क्रियांश The next day. तो अभी बज रहे थी सुबह के 11, और 11 बजे जो है माहौल कुछ ऐसा है, लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी लग रहा है कि सुबह के जो है 5 बज रहे होंगे। दिखाता हूँ आपको बाहर का मौसम कैसा है, ये देखिए ये ऐसा है कुछ माहौल बाहर का, ठंड बहुत ज्यादा है और आज भी ऐसा ही है, और आज भी धूप निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और इधर क्रियांश जो है अपना संतरा खा रहा है, खत्म हो गया क्या ये संतरा? हाँ, इसमें बस हुआ है, अब इसको ठीक है देते हैं। और जी घर में पार्किंग का काम शुरू हो गया है, जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले बताया था वीडियो में, तो नीचे चलते हैं, बीम आ चुका है और बीम को जो है ऊपर चढ़ाया भी जा चुका है, तो देखते हैं कैसा काम चल रहा है क्या चल रहा है। तो देख सकते हैं जी वहाँ पर लग गया है यहाँ पूरा बीम, और उसके बाद जो आगे काम चल रहा है, तो अभी तो यहाँ बीम लगा हुआ है जी, और आज जो है पूरा उसको जोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो है उस दीवार को गिराया जाएगा, इस दीवार को गिराने के बाद जो है एक अच्छा खासा यहाँ पार्किंग स्पेस बन जाएगा। दूध वाले भाई साहब भी आ गए हैं, तो जल्दी से जाते हैं दूध ले लेते हैं। मेरा जय जय कर रहा है, मेरा बेटू जय जय करता है डेली, हाँ राधे राधे कर रहा है, कल्ला लादे लादे जय जय कल्ला, संसार नहीं होगी हाँ हो, जय जय कल्लो सबसे पहला भैया को देना है, ये भैया हमारे यहाँ काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे हैं, ये ले लो भाई, भगवान से दुआ करो ये लोग आगे रहे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं गाड़ी में, और देख सकते हैं कि पीछे सारा ब्लैंकेट जो है रखा हुआ है, क्योंकि कल काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और उस समय पता नहीं था ज्यादा लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, और आज जो है मंगलवार है तो मंदिर के पास जो है बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, तो वहां पर हमें उम्मीद है कि ज्यादा लोग मिल जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाड़ी में बैठ गए, तो चलते हैं अब यहां से। फाइनली पहुंच गए जी काली मंदिर, और काली मंदिर पहुंच करके पहले माता का आशीर्वाद ले लेते हैं, और माँ का आशीर्वाद लेने के बाद जो है शुरू करते हैं कंबल का वितरण। तो फाइनली जी माँ का आशीर्वाद ले लिया, और इसके बाद चलते हैं कंबल का वितरण करने, गाड़ी को हम आगे लगा रखा है, या मंदिर में पार्किंग अलाउ है कि नहीं हमें कुछ पता नहीं था, तो इसलिए हमने बाहर ही लगा दिया, तो चलते हैं जल्दी से शुरू करते हैं। फिर रहेंगे बेटा के जन्मदिन होगा, फिर आ रहे हम लोग। हमें तो माँ का लिए दुआ होगा, तो आप हम लोग को मिलेगा।
कुछ लोगों में तो हम लोगों ने कंबल बांट दिया है यहाँ पर, काफी अच्छा लग रहा है जी दान पुण्य करके। और हम जो है यह शुरू से करना चाहते थे और चाहते थे कि एक बड़े लेवल पर करें। भगवान ने अभी कुछ हैसियत दी है तो हमसे जितना बन पा रहा है कर रहे हैं, भगवान और हैसियत दें हमें ताकि हम और ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ। तो अभी बाकी और कुछ लोग हैं उनको भी बांटना है, एक एक करके ले रहे हैं यहाँ पर। और होता क्या है कि बांटते समय जो है जिनको ज़रूरत नहीं है वह भी एक एक करके आ जाते हैं जिनका दुकान रहता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक यह पहुँचे। सबसे ज़्यादा पाँच छः ठंड तो बहुत ज़्यादा, हम लोग तो पैक है यहाँ पर और बहुत सारे लोग यहाँ खुले में बैठे हुए हैं। फाइनली जी यहाँ पर तो कंबल वितरण हमारा हो गया खत्म। यहाँ पर जो कालीबाड़ी मंदिर आए हुए हैं और भी कुछ जगह जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के पास, वहाँ भी कई लोगों को हम देखते हैं कि खुले में सो रहे होते हैं। तो चलते हैं उनके पास और करते हैं जी सेवा। कंबल चुरा लेते हैं, बताइए कि कैसे कैसे लोग हैं, उनको किसी ने कंबल दिया और तो चोरी करके भाग गया वो, चुरा लिया। संभाल के रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कंबल वितरण हो गया और हमने इस बात का ध्यान रखा कि कंबल जो है उसी लोगों तक जाए जिसको इसकी सख्त जरूरत है। तो हमने ढूंढ ढूंढ के दिया, हम लोग ढूंढ ढूंढ के दिए। क्या कहे, कुछ कुछ बुरी थी, ईमानदारी भी दिखा हमें, वो कहे कि नहीं हमारे पास पहले से, आप किसी और को दे दो। तो ये काफी अच्छी बात लगी जी, वो बात दिल को छू गई, काफी अच्छा लगा जी। आप लोग भी ऐसा करके देखिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो फीलिंग हम लोगों के अंदर अभी है, जो खुशी हम लोगों के अंदर है, उस खुशी को आप लोग भी महसूस करेंगे। एक बार करके तो देखिए ऐसा।